उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में रात 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि शराब सेल्समैन को गोली लगी है। सेल्समैन से पूछताछ करने पर पता चला कि सेल्समैन से 3 व्यक्तियों से झगड़ा हुआ था। उस समय सेल्समैन को हाथ में गोली लगी थी। जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो एक व्यक्ति से अवैध शस्त्र लिया था। चेक करने के दौरान चली थी गोली। जिस व्यक्ति से शस्त्र लिया था उस व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ करने लगी। पूछताछ में पुलिस को 2 पिस्टल और 1 कारतूस बरामद हुआ। यह व्यक्ति पूर्व में भी बिहार से जेल जा चुका है। मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक जेल में रखा गया था। पुलिस को पता चला कि अवैध शस्त्र के कारोबार करता है। वह व्यक्ति जेल भेजा गया है और चुनाव पंचायत को देखते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया। बलिया से विनय कुमार राठौर की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। बजे पुलिस को सूचना मिली कि शराब सेल्समैन को गोली लगी है। यह जब उनसे पूछताछ की गई तो शराब के सेल्समैन ने बताया कि 3 युवकों से इनका झगड़ा हुआ था शराब देने को लेकर। उस पर इन पर गोली चली थी और हाथ में गोली लगी थी। तो पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया, हत्या के प्रयास का और जांच शुरू की। तो जांच में आगे सामने आया कि इन्होंने एक व्यक्ति से अवैध शस्त्र लिया था और उसको चेक करने के दौरान वो गोली चली थी। और जब गोली चल गई उसके बाद इन्होंने उस व्यक्ति को शस्त्र वापस दे दिया घबराहट में, और अन्य लोगों को भ्रमित करने के लिए, पुलिस को भ्रमित करने के लिए ये अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाना की कहानी बनाई। जिस व्यक्ति ने इनको असला दिया था उनसे जब पूछताछ की गई हिरासत में लेकर, तो उनसे हमने 2 पिस्टल और 1 तमंचा बरामद किया है। यह व्यक्ति पूर्व में भी बिहार से जेल जा चुका है और मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक ये जेल में रहा था। वहाँ पर भी अवैध शस्त्र के मामले में ही जेल में गया था और बाहर निकलने के बाद पुनः इसने पंचायत चुनाव को देखते हुए ये अपना कारोबार शुरू किया, जिस पर कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर अवैध शस्त्र बरामद। इस तरह से सूची जारी हो गया है और बलिया बिहार सटा हुआ प्रांत जैसे इलाका है, असलाह की कारोबार जो रुका है, ऐसे में किस तरह से पुलिस वर्क करेगी कि पंचायत चुनाव उस तरह से प्रभावित न हो? जी, पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है। हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और जनता से भी मुखबिरी के आधार पर हमने कई लोगों को सर्विलेंस में लिया है और इसी के चलते पिछले 10 दिनों में हमने 4 पिस्टल बरामद की है 3 लोगों से, और इसमें आगे हम कार्यवाही लगातार कर रहे हैं। और जो भी पुराने अपराधी रहे हैं दोनों साइड के, उनको हम रडार पर ले चुके हैं और हमारी जल्द ही दोनों ओर के पुलिस की बॉर्डर मीटिंग भी होगी, जिसमें कि अपराधियों की सूची के आदान प्रदान होगा। और